नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अनोखा पोस्ट चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक बार फिर से बिहार में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की बात करने जा रहे हैं। बिहार की धरती पर पहली बार आने वाले हैं राहुल मलोडिया जी। नमस्कार पटना, कैसन बा? बुद्ध और नालंदा की धरती को मेरा प्रणाम, मैं राहुल मलोडिया। दोस्तों, वैसे तो ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पे लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स इन्हें फॉलो करते हैं, लेकिन आप पटना में पहली बार उन्हें लाइव देखने का मौका आपको मिल रहा है, तो आप इसे छोड़िएगा मत, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे बिजनेस ट्रिक्स बताए जाएंगे जिससे कि आप बिहार में खुद को स्थापित कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बिहार में हम अपना रोजगार कैसे करेंगे, हम अपना बिहार में कहां से इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम कौन सी कंपनी खोलेंगे, तो ये तमाम सवाल आज के इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। और पहली बार मैं बिहार की धरती में, वो बिहार की राजधानी पटना में आ रहा हूं आपका प्यार पाने के लिए, आपसे मिलने के लिए। इस सेशन होने जा रहा है 14 अप्रैल को ऊर्जा ऑडिटोरियम में। तो सबसे पहले मैं आपको बताएं कि बिहार में आने वाले हैं राहुल मलोडिया जी, और वो भी ऊर्जा स्टेडियम में 14 अप्रैल को। तो अगर आपको उनसे मिलना है, उनको देखना है, या फिर उनसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं आप, तो आपको 14 अप्रैल को ऊर्जा स्टेडियम में पटना में आना होगा। उसके लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अगर आपको लगता है कि बिहार में ये सब कुछ कैसे होगा, बिहार में इतना बड़ा बदलाव अचानक से कैसे हो रहा है, बिहार में लोगों को इतना ज्यादा अग्रेशन कहां से मिल रहा है, तो हम आपको आज वही दिखाने वाले हैं, क्योंकि हम पहुंचे हुए हैं यहां पर बिजनेस इन बिहार के ऑफिस में, जो कि आपके बिजनेस को एक नई उड़ान देगी। और यहां पर जो है ना, हम आपको मिलाने वाले हैं आलोक सिंह से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये आपके बिजनेस गाइड और सब कुछ यहाँ पर आज क्लियर होगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, धन्यवाद ऑफिस आने के लिए। सर, तो आलोक सर ही है जिन्होंने पहली बार राहुल मलोडिया जी को बिहार में बुलाया है, पटना में बुलाया, और आप लोगों के साथ ही जो है कि वो उनसे मीटिंग करने वाले हैं। क्या सर, ये सच है क्या? सर, ये सच है, बिल्कुल सच है। राहुल मलोडिया जी को हम लोग, जैसे आपका नाम है ना अनोखा पोस्ट, ऐसे ही हम लोग चाहते हैं कि बिहार में बिजनेसमैन के लिए, बिहार में व्यापारियों के लिए अनोखा कार्यक्रम हम लोग करते रहे, इसके लिए इस बार हम लोग राहुल मलोडिया जी को बुला रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उन्हें बाय फेस जानते हैं, उनके बहुत सारे ऐसे फॉलोअर हैं जो उन्हें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत लंबे टाइम से देखते आ रहे हैं, लेकिन शायद फर्स्ट टाइम पटना में आपकी वजह से लोग उन्हें देख पाएंगे। सर, ये बिल्कुल सच्चा है, ये पटना नहीं, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, जो ईस्ट जोन है ना, पूरे ईस्ट जोन में पहली बार राहुल मलोडिया सर का फिजिकल सेशन हो रहा है। इसमें बिहार से नहीं, झारखंड से भी लोग आ रहे हैं, बनारस से भी लोग आ रहे हैं। तो सर, एक चीज ये तो बड़ा अच्छा लगा जो आपने ये स्लोगन दिया है, व्यापार की बात बिहार के व्यापारियों के साथ, है ना सर? और आपका एक अपना स्लोगन है, बिजनेस इन बिहार, उत्साह से कामयाबी तक। सर, इस बार जो हम लोग सेशन कर रहे हैं BIB बिजनेस इन बिहार .com हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है, जहां पे हम लोग बिहार के व्यापारियों के लिए बात करना चाहते हैं। इसीलिए 14 अप्रैल को हम लोगों ने जो खास सेशन रखा है राहुल मलोडिया जी के लिए, उसका नाम ही हम लोगों ने डाला है व्यापार की बात बिहार के व्यापारियों के साथ, जहां पे बिहार के व्यापारी आएंगे और राहुल मलोडिया जी से कुछ ना कुछ बिजनेस की बातें सीख के जाएंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि अब आपको भी जो है ना कि अपने कोच से, यानी कह कि बिजनेस कोच जो है कि अब आपको मिलने वाले हैं। आप अपनी बिजनेस की तमाम परेशानियां, जो आपको लगता है कि हम बिहार में बिजनेस कैसे करेंगे या फिर बिहार में बिजनेस के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, तो सर राहुल मलोडिया जी आएंगे, वो बताएंगे। लेकिन फिर सर, उसके बाद जो है कि लोगों को जो परेशानियां आती हैं उन पे कैसे बात और विचार होगा? सर, हम लोग कहते हैं ना कि बिजनेस जो होता है ना, आदमी करते करते सीख जाता है, लेकिन बिजनेस इन बिहार का जो प्लेटफॉर्म है ना, ये इसलिए कि अगर आप व्यापार करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आपको बेसिक ज्ञान हम लोग देंगे, शुरुआत आपको कैसे करना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं कोई भी चीज के लिए, देखते हैं सर, अगर आपको खुद से चाय बनाना हो ना, तो आप चाय को जला सकते हैं, अच्छा बन सकता है या खराब बन सकता है, लेकिन अगर आपको कोई बता दे, मम्मी बता दे कि नहीं चाय में 100 ग्राम दूध डालना है, 50 ग्राम पानी डालना है, 10 ग्राम चाय पत्ती डालना है, 20 ग्राम चीनी डालना है, 2 मिनट तक उसको आग पे जलाना है केतली में रख के, तो ये प्रोसेस, जब चाय बनाने में इतना प्रोसेस है और उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो बहुत अच्छा चाय बन जाता है। तो बिजनेस में जो हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप क्या होता है, हाउ टू रेज फंड्स क्या होता है, सेल्स का ज्ञान क्या होता है, फाइनेंशियल नॉलेज क्या होना चाहिए, टीम हायरिंग के बारे में क्या जानना चाहिए, उन सारी चीजों को बिजनेस इन बिहार की टीम बताती है। बिजनेस इन बिहार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग 16 साल से लेकर 60 साल तक के लोग यहाँ पे जुड़े हुए, जो बिहार के नए लोगों को या पुराने व्यापारियों को सिखाना चाहते हैं कि व्यापार कैसे करना चाहिए। तो सर, एक चीज तो ये है कि आपने एक बहुत अच्छा काम जो है कि बिहार में स्टार्ट किया है, क्योंकि लोगों में, बिहार के लोगों में सर उत्साह बहुत है बिजनेस को लेके, लेकिन उन्हें शायद ये समझ नहीं आ पाता कि हम अपना बिजनेस शुरुआत कहाँ से करें या फिर कैसे मैनेजमेंट करें, वो पूरा मैनेजमेंट आप समझा पाएंगे। सर, हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार में जो व्यापार कर रहे हैं लोग,
एक छोटी भी चीज करने के लिए कोचिंग की जरूरत होती है, स्कूल की जरूरत होती है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है, सब चीज के लिए जरूरत है। और सारे चीजों के लिए कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार है, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर तैयार है, लेकिन व्यापारी के लिए, बिजनेसमैन के लिए कुछ भी ट्रेनिंग संस्था अभी बिहार में नहीं दिखती है मुझे खासकर। अगर आपको दिखी होगी तो बताइएगा। इसी यही सोच के हम लोग बिहार में एक स्थापित कर रहे हैं businessinbihar.com, जहां पे हम नए बच्चों को और जो पुराने लोग व्यापार कर रहे हैं, जो पुराने व्यापारी है लेकिन एक ही दुकान पे अटके हुए 10 साल 15 साल से एक ही दुकान कर रहे हैं, तो दोनों के लिए, जो युवा है उनके लिए हम लोग कह रहे हैं उत्साह से कामयाबी तक। अगर आपके अंदर उत्साह है सिर्फ कि हमें कामयाबी पाना है, बस जोश है, जुनून है, जज्बा है, विल पावर है, तो आप आइए हमारे चैनल पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, इंक्वायरी कीजिए और आपको हम लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे, जहां पे आपको सिखाएंगे कि बिजनेस को कैसे बढ़ाना चाहिए, कैसा करने चाहिए, क्योंकि आपको लर्निंग होगा तभी जाके अर्निंग होगा। हम लोग बिजनेस शुरू करने से पहले सोच लेते कि इतना कमाई होगा, लेकिन उस कमाई के पीछे लर्निंग क्या होना चाहिए नहीं सोच पाते। आप देखते हैं सर कि जो बच्चा यूपीएससी क्रैक करता है उसका जिंदगी बहुत ही अच्छा होता है, जो एमबीए करता है, बीबीए करता है, उसका जिंदगी अच्छा होता है, क्योंकि वो उतना पढ़ाई लिखाई किया, 20 साल 25 साल पढ़ने के बाद वो होता है। तो अगर व्यापार भी करना चाहते ना तो थोड़ा सा पढ़ाई तो करना होगा बिहार के व्यापारियों को सर। तो ये एक बहुत बड़ी बात सर ने बताई कि आपको क्या कुछ करना होगा, लेकिन इसमें अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आता है, कोई परेशानी आती है, तो उसके लिए आपके लिए बिजनेस इन बिहार, यानी कि आपको बिहार में बिजनेस करना है या फिर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई भी मुश्किल आ रही हो, समझ नहीं आ रहा हो, आप स्टूडेंट हैं लेकिन आपको लगता है कि मुझे बिजनेस ही करना है, आप पहले से व्यापार कर रहे हो लेकिन शायद आप सक्सेस नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए भी बिजनेस इन बिहार है। मतलब कि बिजनेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो अब आपका साथी बिहार में बिजनेस इन बिहार, जो कि आपको हमेशा सपोर्ट करता है और आपको बताता है कि आपके बिजनेस का अगला स्टेप क्या होगा, आप से खुद का बिजनेस आगे लेकर जा सकते हैं। जैसे कि बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का आप बिजनेस देखते होंगे, उनके बिजनेस में आखिर वो कैसे इतने सारे लोगों को मैनेज करते हैं सर, ये एक बहुत बड़ा ट्रिक है सर। यही चीज बताने राहुल मलोडिया सर भी आ रहे हैं, आप तो पहले ही बता दिए अपने दर्शकों को, राहुल मलोडिया सर जो आ रहे हैं ना यही बताने आएंगे कि कैसे एक व्यापारी अगर एक समय पे बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो करोड़ों का टर्नओवर कर जाता है, और एक व्यापारी उसी टाइम पे बिजनेस स्टार्ट करता है और रोते रहता है, बड़े दिन धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। इस बार जो राहुल मलोडिया सर आ रहे हैं, राहुल मलोडिया सर को मैं कुछ बता दूं तो उसमें उनका फंडामेंटल्स है कि वो बताएंगे पहले कि आपको सेल्स कैसे करना चाहिए, गल्ला कैसे संभालना चाहिए, आपको अपने टीम को कैसे तैयार करना चाहिए, अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी पे कैसे लेके जाना है, अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे कैसे लेके जाना है, फाइनेंस का नॉलेज आपको कितना होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करते हैं, कैश फ्लो को कैसे मैनेज करते हैं, ये सारे ज्ञान राहुल मलोडिया सर पूरे अच्छे से सिखाएंगे आपको, सभी चीज का ब्लू प्रिंट देंगे, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे, वो पूरा पीपीटी इवेंट का पूरा पीपीटी भी देंगे, जो इवेंट में वो बताएंगे ना सेमिनार में, पूरे दिन का जो सेमिनार है 10 बजे से 6 बजे तक, पूरा जो चीज सिखाएंगे वो सारा पीपीटी आपको देंगे, जिसमें आप लोग 5 चीजें सीख पाएंगे, सेल्स का ब्लू प्रिंट, फिनांस का ब्लू प्रिंट, टीम मैनेजमेंट का ब्लू प्रिंट, टेक्नोलॉजी का ब्लू प्रिंट, और अपने नवरत्न तैयार करके कैसे अपने प्रोडक्ट को एक शहर से विदेश भेज सकते हैं, ये सारे ज्ञान देंगे राहुल मलोडिया जी। मतलब एक बार आपको ये इवेंट जो है वो जरूर आपको मीट करना चाहिए, जरूर वहां पहुंचना चाहिए। सर इस इवेंट में कितने लोगों के लिए सीट्स होंगी? सर आप जानते हैं ऊर्जा ऑडिटोरियम में 850 लोगों का सीट्स है, उसमें से आधा से ज्यादा भर चुका है। अच्छा। सभी लोगों ने, आधे से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, क्योंकि बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, बनारस तक से लोग आ रहे हैं, क्योंकि इस एरिया में पहली बार राहुल मलोडिया सर। तो अनोखा पोस्ट के थ्रू मैं कहना चाहूंगा कि जो भी लोग आना चाहते हैं जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले और अपना सीट कंफर्म कर ले। तो अगर आपको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है और इसी लिंक से जो है कि आपको रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो आप आइए और रजिस्ट्रेशन कीजिए और आप पहुंच सकते हैं राहुल मलोडिया जी के इवेंट तक। और आपको जो है कि बता दें कि आपके लिए एक गिफ्ट है, खास करके मेरे वैसे व्यूवर्स जो कि हमेशा मेरे चैनल पर आते हैं और बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो अनोखा पोस्ट की तरफ से अगर आपके लिए भी एक फायदा तो जरूर होना चाहिए, और आपके लिए वो ये है कि 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है आपको। अच्छा सर, ये सारी चीजों के बाद जब हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे व्यापारी आएंगे या फिर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो अभी कुछ ऐसे नाम हैं क्या जिन्हें लोग जानते हो या फिर वो व्यापारी हैं जो कि अभी सर के सेशन में आने वाले हैं? सर ये सबसे अच्छी बात है कि जिस दिन हम लोगों ने पोस्टर रिलीज किया उसी दिन कॉल्स आना शुरू हो गया, और सबसे पहला कंफर्मेशन जो था हमारा शांतिलाल की तरफ से था, अर्जुन भाई है। अर्जुन सर इंजीनियरिंग करने के बाद वो रेस्टोरेंट का चयन स्टार्ट किए हैं और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा हमारे साथ नूतन मैम है और हिमांशु सर है, जिनकी कंपनी का नाम है एजियन कैप्स। एजियन कैप्स का सपना है कि उबेर से भी बड़ा कंपनी खड़ा कर देना है बिहार में, पूरे इंडिया में।
तो एशियन कैप्स अभी 4000 गाड़ी के साथ चल रही है, और उस दिन कुछ सर्विसेज भी अपने जो भी कस्टमर्स आएंगे ना, जो भी इवेंट्स में लोग आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, उनको एशियन कैप्स का फ्री में सवारी भी मिलने वाली है। वो कहते हैं कि बिहार के व्यापारियों का सवारी एशियन कैप्स ही करवाएगा। नूतन जी से जब आप मिलेंगे ना, तो बहुत ही वो बिजनेस के लिए एकदम एक्साइटेड रहती है, तो उनसे भी बिहार के जो नए लड़कियां अगर आती हैं तो वो सीख सकती हैं कि बिहार में लड़की होकर भी कितना बड़ा धंधा किया जा सकता है। उसके बाद मैं बताऊं, मेटा डेको होम के ओनर है राजीव जी, राजीव जी भी आके बताते हैं कि घर को कैसे सजाना है, बिहार के प्रोडक्ट्स के साथ कैसे बिहार के घर को सजा सकते हैं। तो अर्जुन जी, हिमांशु जी और राजीव जी सभी ने अपने लिए तो खरीदा ही खरीदा है, उन्होंने अपने टीम के लिए भी टिकट परचेज किया है, क्योंकि वो कहते हैं, उनका कहना है, धंधा अगर बड़ा करना है ना सर, तो पहले बंदा खड़ा करना होगा। तो वो अभी तक अपना टिकट नहीं बुक किया, लेकिन अपने पूरे टीम के लिए टिकट बुक कर लिए। बोले कि सर टिकट कम होगा ना तो मैं कहीं भी खड़ा होकर देख लूंगा, लेकिन मेरा टीम जो है ना आगे बैठ के सीखना चाहिए। राहुल मलोडिया जी से जब तक हमारा टीम नहीं सीखेगा, हमारा धंधा बड़ा नहीं होगा। तो कहते हैं नवरत्न तैयार करना है तो बिजनेस ट्रेनिंग में जाना होगा। तो मैं सभी व्यापारियों को कहना चाहूंगा कि आप तो सीखिए ही सीखिए, आप अपने टीम को ज्यादा सिखलाइए, क्योंकि वही टीम है जो आपको काम करके दे रही है, वही लोग हैं जो आपको गल्ला छुड़वा सकते हैं। आप जो एक दुकान पर बैठे रहते हैं ना, वो नहीं बैठना। अपने टीम को तैयार कीजिए, उसको टेक्नोलॉजी पे लेके जाइए, राहुल मलोडिया जी से सीख के जाइए। और ऐसे बहुत सारे व्यापारी आ रहे हैं, नाम लूंगा तो पूरा वीडियो सर इसी में चला जाएगा। तो एक चीज ये समझ चुके हैं आप कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी जो है ना, कि वो ऐसे कोचेस का, बिजनेस कोचेस का वो कोई भी इवेंट मिस नहीं करना चाहते। हालांकि जब पटना में या बिहार की धरती पर पहली बार पहुंच रहे हैं राहुल मलोडिया जी, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी अगर वो जोश है, अगर आप भी चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस शुरुआत करें, और उनका सेशन कंप्लीट होने के बाद अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाए, या फिर आपको ऐसा लगे कि उन्होंने बता दिया, अब हमारा हाथ पकड़ के भी चलने वाला, सिखाने वाला चाहिए, तो वो आपको सिखाएगा बिजनेस इन बिहार, यानी कि बिजनेस आप बिहार में करेंगे और एक बिहारी आपके साथ खड़ा होगा जो आपको हाथ पकड़ के आगे लेकर जाएगा और आपको बताएगा कि अब आपको बिजनेस में कौन सा स्टेप उठाना है ना सर? बिल्कुल सर, यही सच्चाई है बिजनेस इन बिहार की। बिजनेस इन बिहार में अगर आप व्यापार कर रहे हैं या करना चाहते, तो आपको हम हाथ पकड़ के, ऐसे हाथ पकड़ के सिखाएंगे कि बिजनेस में गलतियों से कैसे बढ़े और आगे कैसे बढ़े। चलिए, ये सारी चीजें इस वीडियो में हमने कंप्लीट की। आपको बताया कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि अब चलो यार बहुत कर लिया हमने दिल्ली, मुंबई और दूसरी जगहों पर अपना जॉब, तो अब आइए बिहार और एक छोटे से स्टेशन से अब अपने करियर की एक नई शुरुआत कीजिए, और यहां से आप अपने बिजनेस को प्रगति दीजिए, और जो जोश बिहारियों में कहा जाता है अपने बिजनेस को लेके, उस जोश को दिखाइए और अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अब आपके लिए इससे बड़ा इवेंट तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये इवेंट आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप पहुंच रहे हैं उस इवेंट में, तो आपके साथ बहुत सारे बिजनेसमैन भी पहुंच रहे हैं, और मैं भी मिलूंगा आपको वहां पे, क्योंकि हम सब जब एक बार मिलेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हुजूम लगेगा, और उससे बिहार को ग्रो होने का, सफल होने का एक पूंजी तो मिल ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपनी इस वीडियो करते हैं समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।